जी, मैं हूं पाल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं माय साइड ऑफ द स्टोरी ऑन दिस प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द ट्विटर सस्पेंशन। तो मैं आज आपसे इतना बात करना चाहती हूँ कि मेरे को एक ईमेल मिला ट्विटर से आफ्टर सस्पेंडिंग माय अकाउंट आफ्टर 5 आवर्स, सेइंग दैट उन्होंने मेरा अकाउंट इसलिए सस्पेंड किया है क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं है। मैंने बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म रूल्स वायलेट किए हैं, दैट इज द ईमेल दैट आई गॉट। और उस ईमेल का जब मैंने जवाब दिया तो मेरे को ऑब्वियसली उसका कुछ जवाब नहीं मिला। आई वॉज टोल्ड दैट द केस इज क्लोज्ड। सो ट्विटर इंडिया, आप बहुत ज्यादा बुली करते हैं, आप थ्रेटन करते हैं लॉ अबाइडिंग इंडियन सिटीजन को। हमारे देश के अंदर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग प्रधानमंत्री जी को नपुंसक कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं। जी हां, अनुराग कश्यप हैड कॉल्ड आवर प्राइम मिनिस्टर आतंकवादी। अलका लांबा, अ कांग्रेस फेमिनिस्ट पॉलिटिशियन, हैड कॉल्ड आवर प्राइम मिनिस्टर नपुंसक। मगर ऑब्वियसली इनके ट्विटर अकाउंट को टच नहीं किया जाता। मगर पायल जब देश के हित में बात करती है या सोल्जर्स के हित में बात करती है या सीबीआई इंक्वायरी की मांग रखती है फॉर सुशांत सिंह राजपूत, देन उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब वो बात करती है अबाउट द हिपोक्रेसी इन बॉलीवुड, जब वो बात करती है अबाउट बिग एंड इन्फ्लुएंशियल नेम्स लाइक सलमान खान या एकता कपूर या करण जौहर, देन ऑब्वियसली उसके जो अकाउंट के जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अकाउंट के फॉलोअर्स है, वो शायद उसके अकाउंट का मास रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसा बोला गया है, ऐसे सुनने में आया है कि सलमान खान जी के पीआर या कोई भी इतने बड़े कोई जितने भी मैंने नाम लिए उनमें से किसी के भी पीआर ने मेरे अकाउंट की मास रिपोर्टिंग करी होगी, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजन। जी हाँ, ट्विटर इंडिया, आप ऐसा करते हैं, अच्छी बात है, आप करें थोड़ी देर और। मगर मुझे लगता है कि जल्द, जैसे चाइनीज एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया है, वैसे आपके अकाउंट, आपके प्लेटफॉर्म को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। डोंट वरी, इतना खुश मत होइएगा क्योंकि आप समझते हैं कि आप मेरी आवाज को बंद कर देंगे। जी नहीं, मैं ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पर बोलूंगी क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है। ना मैं ट्विटर से पैसे कमाती थी, ना मैं इंस्टाग्राम से कमाती हूं, ना मैं फेसबुक से कमाती हूं। जी हां, बहुत सारी न्यूज है कि इंस्टाग्राम पे इज दिस एक्टर दिस मच एंड दिस एक्टर दैट मच, बट इंस्टाग्राम इज नॉट पेइंग मी एनीथिंग फॉर द पोस्ट और फॉर माई वीडियोज। आई एम डूइंग इट जस्ट एज अ फेवर बिकॉज आई थिंक आई शुड टॉक एंड एक्सप्रेस माई व्यूज विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी एंड इंडियंस एंड हिंदूज। तो ट्विटर, आप बहुत जल्दी किक आउट हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं कोई जाली या डुप्लीकेट अकाउंट बना के आपके प्लेटफॉर्म पर फिर से नहीं आ सकती क्योंकि मैं बिलीव करती हूं कि शेर भूखा रह सकता है मगर घास नहीं खाता। सो ट्विटर, ईदर यू सबमिट एन अनकंडीशनल अपॉलोजी टू मी और यू विल बी ऑब्वियसली सून किक्ड आउट ऑफ इंडिया बिकॉज आई एम श्योर दैट आप जिस तरह से अपना बायस एक्सपोज कर रहे हैं, मैं नहीं, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे एंड एक मूवमेंट होगा जहां पर आप जैसा आपका यू नो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंडिया से निकाल दिया जाएगा। मैंने ऑब्वियसली एक ईमेल भी लिखा है एड्रेसिंग द होम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द INB मिनिस्ट्री ऑफिसेस वेरियस ऑफिशियल्स। लेट्स सी इफ दे रिवर्ट टू मी और नॉट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू कैन नॉट स्नब मी, यू कैन नॉट बुली मी, यू कैन नॉट थ्रेटन मी। आगे बात करते हैं अबाउट सुशांत सिंह राजपूत के केस पे क्या क्या हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में द विसरा रिपोर्ट हैज बीन सेंट टू जेजे वलाया हॉस्पिटल एंड जेजे वलाया हॉस्पिटल हैज इट्स नेम लिंक्ड विद द काइंड ऑफ सर्टन इंसिडेंट्स जहां पर उन्होंने केस को खराब किया है, जहां पर उन्होंने गलत गलत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स बनाई है, पैसे लेके यू नो डेथ सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, ऐसा मैंने मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ी है। साथ साथ में देवेन नरेन, जी हाँ, देयर इज दिस गाय कॉल्ड एज देवेज नरेन जो सुशांत सिंह के सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति के फादर इन लॉ थे, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लेम किया था सलमान खान को एज समबडी हु हैज काइंड ऑफ सम लिंक्स विद द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। अब उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। सो ट्विटर इज ऑब्वियसली एक्टिंग अगेंस्ट पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट अ सीबीआई इंक्वायरी इन द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। दे आर प्रोबेबली बेस्ट फ्रेंड्स विद सलमान खान्स पीआर, द पीआर दैट रन्स बीइंग ह्यूमन कैंपेन। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ट्विटर इंडिया, इतनी बदनामी के बाद भी आप इंडिया में रहकर इंडिया से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, दिखाता है कि आपसे ज्यादा बेशर्म तो कोई और है नहीं। सो एनीवेज, कंटिन्यू डूइंग योर शिट एंड वी विल कंटिन्यू एक्सपोजिंग योर शिट बिकॉज आई एम नॉट समबडी हू इज गोइंग टू बेग टू कम ऑन योर प्लेटफॉर्म। आपका प्लेटफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, बट येस, आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी। सो दिस इज अबाउट ट्विटर ब्लॉकिंग देवेज नरेन्स अकाउंट जो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर के फादर इन लॉ थे, हु हैड ब्लेम्ड सलमान खान फॉर अपेरेंटली हैविंग सम लिंक्स विद द डेथ ऑफ सुशांत सिंह।
अब ये भी मुझे पता चला है कि प्रिंस अल्वालीद बिन तलाल ओन्स मोर ऑफ ट्विटर देन इट्स को फाउंडर जैक डॉर्सी. सो जैक डॉर्सी को टैग करने से कोई फायदा नहीं है बिकॉज ट्विटर इज ऑब्वियसली हिंदू फोबिक. इट इज अ लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म एंड दे डोंट लाइक दैट आई टॉक इन फेवर ऑफ माई रिलीजन और आई टॉक इन फेवर ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर. दे लाइक दोज पीपल हु अब्यूज द प्राइम मिनिस्टर एंड हु टॉक अबाउट ब्रेकिंग इंडिया इन टू पीसेस. और अब इतना ही मैं कहना चाहती हूं कि अनुभव सिन्हा जी एक अच्छे डायरेक्टर हैं, ऐसा लोग समझते हैं, बट लेट्स सी. उन्होंने अभी तक सिर्फ फ्लॉप डिलीवर करी है, चाहे वो रावण हो या थप्पड़. सो अनुभव सिन्हा को लगता है कि लॉट ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत आर डूइंग सो बिकॉज दे आर यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल गेम. तो अनुभव सिन्हा जी, आप एक सो कॉल्ड कन्विक्टेड टेररिस्ट के साथ काम करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ काम करने से फायदा लगता है. इट्स अ बिजनेस प्रपोजल एंड यू वर्क विद संजय दत्त, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, यू डिड दैट इन दस फिल्म. बट आप एक 34 ईयर ओल्ड टैलेंटेड आदमी के मौत के ऊपर इंक्वायरी को पॉलिटिकल गेम कहते हैं, तो दिखाता है कि आप कितने बड़े दोगले इंसान हैं. एंड यू आर ऑब्वियसली नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग. सैड दैट आई इवन नो यू लिटिल बिट बिकॉज मैंने आपके प्रोडक्शन में कोई एक टीवी शो किया था, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, जो सहारा पे टेलीकास्ट हुआ था, और वहां पर भी कुछ पेमेंट का इश्यू था. आपके ऑफिस ने मेरा एक दिन का पेमेंट जब्त कर लिया था. सो दैट इज व्हाट अनुराग सिन्हाज प्रोडक्शन हाउस डज, बट दैट्स अ पास्ट. And that's how I have my experience with the television industry and Bollywood. They don't like to pay actors. सबसे free में काम कराना अच्छा लगता है इनको, और obviously दम देना अच्छा लगता है कि अगर आप हमसे पैसे मांगेंगे तो हम आगे आपको काम नहीं देंगे. So this is how they work. And मैं और इतना ही कहना चाहती हूँ कि जाते जाते yes, let दिल बेचारा be the super hit of this year, like I have always told, and let it be the biggest blockbuster, biggest grosser than all the Khan films. But make sure that this is the first and the last film of Mukesh Chhabra and that Sanjana Sanghi, whatever that name of that lady is, who accused Sushant Singh Rajput with Me Too blame, because वो blame ने भी Sushant Singh Rajput के मानसिक संतुलन को affect किया होगा, जहां पर एक लड़की और उसकी film का director are obviously a part of a conspiracy, जहां पर उसके ऊपर आरोप लगाया गया है that he is a womanizer. So जो भी लोग जिन्होंने भी जितना भी part play किया in making Sushant Singh Rajput vulnerable and feel worthless, I think they all should be punished, and that is going to happen when God wants to happen. But obviously we will talk about it because talking has started. Aaj koi dar nahi raha hai talking about big people and naming them and shaming them in public platform, because dar sabki zindagi se chala gaya hai. Inko saza mile ya na mile hame nahi pata. Bihar court ne as it is FIR against Salman Khan, Karan Johar, Ekta Kapoor darj kar di hai, matlab suspend kar di hai, radd kar di hai. So we don't know whether they'll be ever convicted or they'll go behind bars, but one thing is for sure, people have started talking and naming and shaming these people who think that they own Bollywood, and that is great. Namaste.